देख रहे हैं दीपक शर्मा के साथ हरियाणा अपडेट डेली न्यूज चैनल। इस चैनल पर रेवाड़ी जुड़ी बड़ी खबरें मिलती रोजाना, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों की। तो पहले हम बात करेंगे रेवाड़ी में कोरोना केस की। तो आपको बता दें कि जो रेवाड़ी में है कोरोना केस की जो रफ्तार है वो कम होती जा रही है। 10 दिन से 27 से कम केस सामने आ रहे हैं। कल बृहस्पतिवार को भी केवल 24 नए केस सामने आए हैं, जबकि 71 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। आपको बता दें कि अब जो रेवाड़ी में एक्टिव केस 156 रह गए हैं, मात्र 156 एक्टिव केस रह गए हैं, ये 200 से कम केस रह गए हैं। और अभी तक जो रेवाड़ी में 20,037 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें से 19,629 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे जो रेवाड़ी की जो रिकवरी रेट है वो 97% यानी कि अगर 100 मरीज कोरोना पॉजिटिव है तो उनमें से 98 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि हमारा जो रेवाड़ी का पॉजिटिव रेट है 7.27% बना हुआ है, यानी कि अगर 100 लोगों की रिपोर्ट ली गई है तो उसमें से 7 कोरोना मरीज निकलते हैं, जबकि 5% से अधिक अगर किसी जिले या किसी राज्य का पॉजिटिव रेट है तो वो मतलब कोरोना के हालात बेकाबू माने जाते हैं, कोरोना के हालात काबू नहीं माने जाते हैं अगर 5% से अधिक पॉजिटिव रेट है तो। इसलिए आप अपने घर में सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और केवल 25 मरीज अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, यानी कि बेड जो है वो काफी खाली हो चुके हैं। केवल 25 मरीज हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं, बाकी होम आइसोलेट किए गए हैं। दूसरी खबर की बात करेंगे, कल की तरह भी आज भी 18 प्लस लोगों को 25 केंद्रों पर टीकाकरण होगा, आप वहां जाकर अपना टीका लगवा सकते हैं। तीसरी खबर की बात कर ले तो हम बात करेंगे जो हमने अपनी खबरों में बताया था, जो आरोपी थे जो मात्र 10 साल के बच्चे के साथ गलत काम करने के आरोपी थे, वे 3 आरोपी और पकड़े गए हैं, जिनमें से एक गलत काम करने में शामिल था, बाकी 2 लोग जो वीडियो वायरल करने में कर रहे थे उनको पकड़ लिया गया, अब उनको बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। तीसरी खबर की बात कर लेंगे तो हम आईजीओ में जो रजिस्ट्रार है, अभी तक जो कार्यवाहक रजिस्ट्रार बनाया हुआ था, लेकिन अब डॉक्टर प्रमोद कुमार नए रजिस्ट्रार होंगे आईजीओ इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के, जो अब फिलहाल एमडीयू में ज्योग्राफी के प्रोफेसर है, अब वो नए रजिस्ट्रार बना दिए गए हैं। बात कर ले तो हम आपको बता दें कि जो रेवाड़ी का टेम्परेचर है वो 42 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है, 44 डिग्री तक पहुंच चुका है, यानी कि आप गर्मी का बहुत ज्यादा एहसास कर रहे हैं। लेकिन अब 12 से 13 तारीख की रात को लगभग तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगली बात करेंगे कि अगर आप कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल तय रेट से, यानी कि जो रेट निर्धारित किए गए हैं, अगर उनसे ज्यादा रुपए वसूल करते हैं तो आप शिकायत कर सकते हैं। डीसी यशंद्र सिंह ने कहा है कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो रेट तय किए हुए हैं, जो रुपए तय किए गए हैं, अगर उनसे अधिक रुपए वसूल करते हैं तो आप शिकायत कर सकते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता कि रेवाड़ी में 24 घंटे में 5 सड़क हादसे हुए, जिनमें 6 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि जो सबसे पहले जो महेंद्रगढ़ रोड पर 2 व्यक्ति, जो 2 लड़के थे, एक तो जैनाबाद का और एक मशीदपुर का रहने वाला था, वो बाइक से अपने गांव जा रहे थे, तभी उन्होंने ट्रक दिखाई नहीं दिया और ट्रक ने ना तो कोई पार्किंग लाइट लगा रखी, ना कोई रिफ्लेक्टिव लाइट लगा रखी थी, जिसके कारण दोनों ट्रक से जाकर टकरा गए, दोनों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। और वहीं एक व्यक्ति पीछे से आ रहा था, उसकी बाइक भी उससे जाकर टकरा गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है, अब उस ट्रक के चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी खबर है कि जो NH 48 है उस पर 2 ट्रक आपस में टकरा गए, जिसमें एक चालक की मौत हो गई, जबकि क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीसरी खबर हम बता देते हैं कि जो NH 71 है, वहां पर एक बाइक सवार पति पत्नी में बेटा कहीं जा रहे थे, तभी वहां पर उन दोनों से एक अज्ञात वाहन जो स्पीड में आया और उनको टक्कर मार दी, पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी वे बच्चा घायल हो गए, उनको ट्रामा सेंटर ले जाया गया और पति वहां पर मृत घोषित कर दिया गया था। चौथी जो खबर है, जो यानी जो चौथा सड़क दुर्घटना है वो है बड़ेपर चौक पर, एक व्यक्ति जो वहां 43 वर्षीय कोई व्यक्ति था, उसको एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो उसकी वहीं पर मौत हो गई। लोगों ने जब शव को सड़क पर पड़ा दिखा तो पुलिस को बताया, पुलिस ने उस शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को, अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, वो उसको बावल के हॉस्पिटल में अभी भर्ती करवाया हुआ है। पांचवी जो सड़क दुर्घटना है वो है
बावल रोड की। हाँ, बावल रोड पर दो एक ऑटो ड्राइवर और एक कार की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें ऑटो में सवार पति पत्नी थे, उसमें पत्नी की मौत हो गई, तभी पति घायल हो गया है। पत्नी तो मृत घोषित कर दी गई। अब पुलिस ने परिजन उसका शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। लास्ट खबर ये कि जो रामगढ़ रोड पर स्थित एक मुर्गी फार्म है, वहां पर एक कुएं में एक बकरी गिर गई, जिसको बचाने के लिए एक यूपी निवासी जब कुएं में उतरा तो वो बेहोश हो गया। दूसरा बिहारी बिहार का रहने वाला था, वो व्यक्ति भी उस कुएं में उतरा, वो भी बेहोश हो गया। दोनों को जब निकाला गया तो मृत घोषित कर दिए गए हैं, जबकि दो व्यक्ति और उनको निकालने के लिए घुसे थे, अंदर गए थे कुएं के अंदर, तो वे भी बेहोश हो गए, लेकिन उनको जल्द ही कुएं से बाहर निकाल लिया गया, ताकि इसलिए उसकी उनकी जान बच गई, लेकिन वे दो व्यक्ति मृत घोषित कर दिए गए हैं। जहरीली गैस इनके मरने का कारण बताई जा रही है। आज की खबरें यहीं तक, फिर मिलेंगे हम इसी समय। देख रहे हैं हिमाचल को देखा।